अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज आपको विद्या से क्षेत्र से विद्या के क्षेत्र से क्या मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र से क्या करने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल क्या करने वाले हैं, किताब क्या लिखेंगे, कहानी क्या लिख सकते हैं, फिल्मों में आपकी क्या भूमिका रहेगी, राजनीति के क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका रहेगी, सारी बातें बताएंगे। घर परिवार में आज आपका सम्मान होगा या आज आपके विरोध में हो सकता है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। पत्नी से आपके कैसे संबंध रहेंगे ये भी आज हम आपको बताएंगे, और रोग और शत्रु का क्या हाल होगा ये भी आपको बताएंगे, माली हालत कैसी रहेगी, इन सब बातों को आज हम आपको बताने वाले हैं। और कोई भी नया कार्य आज होने की भी संभावना बने तो उसके भी बारे में बताएंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, और आज आपके लिए सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा था, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप इनबॉक्स में जा करके अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें और अपना प्रश्न लिखें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आइए हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन चतुर्दिक दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद रहेगा। आज आपको धन धान के क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, शेयर ट्रेडिंग में भी आज आपको धन मिलेगा। अगर शेयर में कोई पैसा आपने लगा रखा है, कोई पूंजी निवेश कर रखा है, तो उसमें भी आज आपको बड़े पैमाने पर धन लाभ मिलेगा। यदि आपने कोई साहित्य रचना किया है, लेखन कार्य किया है, तो आज आपकी पुस्तक पुरस्कृत हो सकती है और पुस्तक लेखन से भी धन मिलेगा। एजुकेशन के फील्ड में किया गया कार्य से लाभ मिलेगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। यदि आप शिक्षा के फील्ड में नौकरी करते हैं तो आज आप पदोन्नत हो सकते हैं, आज आप प्रिंसिपल हो सकते हैं, विभागाध्यक्ष हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और आज संस्था के हेड हो सकते हैं। उसके लिए आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी नया कार्य, नया प्लान अगर करते हैं तो अपने माता पिता गुरु से सलाह लेकर के ही कार्य की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपकी पत्नी के लिए समय बहुत अच्छा चला, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा और नौकरी के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई एफर्ट किया है तो नौकरी भी मिलने का योग बन रहा है। भूमि भवन या घर खरीदना चाहते हैं तभी थोड़ा सा रुकें, अभी कार्य होने में दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी भी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा विरोध की स्थिति आ सकती है और किसी भी अनजान व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो किसी व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें और लेन देन भी करने से बचें। पाइपलाइन में अगर कोई कार्य होगा तो हो सकता है, यदि परिवार में शुभ कार्य या विवाह इत्यादि है तो या कोई नए कार्य की अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रहा है। संततियों की टेरिटरी में दखल अंदाजी ना करें, संतान का ध्यान रखें, संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, इनकम का जरिया बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित का योग बन रहा है। यदि आप फिल्म कहानी इत्यादि लिखना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि खान पान पर नियंत्रण करना है और जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है, भगवान सूर्य की आराधना करना है और ओम गंग गणपते नमः, ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करें और भगवान श्री गणेश जी को आप मोदक जरूर अर्पित करें। और आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पीला। हरे कृष्ण।